इंडिया स्वेप्टी के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेप्टी में। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सिमुलेशन इक्वेशन युगपत समीकरण, जिसका एक्सरसाइज जे आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके क्रियात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं, मैं डायरेक्ट आपका किसी भी क्रियात्मक प्रश्न को या एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करता। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल बताता हूं जो बिल्कुल आपके आपके क्वेश्चन की तरह ही होते हैं। उन एग्जांपल को देखने के बाद, उनको समझने के बाद आप सेल्फ से खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि गणित ऐसे सीखें जिससे नियम समझने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद क्रियात्मक प्रश्न आपसे खुद ब खुद सॉल्व हो, तो ये फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा सीखा जाए तो फिर वीडियो में एंड तक बने रहें। पहले हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स, फिर हम देखेंगे आपके क्रियात्मक प्रश्न, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका SDM सर, यह हमारा चैनल है इंडिया स्वेप्टी। तो एक्सरसाइज में जो समीकरण के प्रश्न हैं उसका टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न, जिसको प्रॉब्लम्स लोडिंग टू एजेस ये कहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण जो कि है, प्रकाश लोके से 34 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 था, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में करना ये है, जब किसी का किसी से तुलना किया जाए तो जमाना कैसे है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो जो प्रकाश है वो लोके से 34 वर्ष बड़ा है। मान लेते हैं प्रकाश x वर्ष का है, लोकेश y वर्ष का है। तो प्रश्न कहता था जो प्रकाश है x, वो लोकेश से मतलब y से कितने साल बड़ा है, 34 साल बड़ा है। ये जम गया, यही आपका पहला कंडीशन है। प्रकाश लोकेश से 34 साल बड़ा है, तो प्रकाश को x माना, लोकेश को y, और इससे कितने साल बड़ा है, ये 34 साल बड़ा, तो इसके में प्लस 34 किए। यहाँ से एक समीकरण बनाना है इस तरह से जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस वाई को आप इधर लेके आएंगे, चर राशियों को एक तरफ रखना है, तो प्लस वाई इधर आके माइनस वाई होगा, तो इस तरह से आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई बराबर 34 को यहीं रहने दीजिए। तो जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 34, तो ये बन गया आपका समीकरण 1, ठीक। अब आपको लिखना है द्वितीय शर्त अनुसार या प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 था। तो हम क्या करेंगे, हमने जो माना था कि वो x वर्ष का है, दूसरा y वर्ष का है, उसमें आप 10 घटाएंगे क्योंकि 10 साल पहले बोला है। अगर यहीं पर 10 साल बाद की हो जाती तो हम इसमें 10 प्लस करते, तो चूंकि पहले का है तो हमने दोनों में 10 घटाया, x में भी 10 घटाया, y में भी 10 घटाया। अब दोनों के सामने हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का योग बोला है। जब योग बोले तो दोनों में जो भी घटेगा बढ़ेगा उसके बाद आपको प्लस लगाना ही है। बराबर इनका योग है 48, तो हमने बराबर में लिखा 48। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई एक साथ लिखा जाएगा। अभी जो माइनस दस थे ये आपस में जुड़ेंगे, ये हो जाएंगे -20। अब -20 इधर आ क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। 48 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिला समीकरण 2, ठीक है। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 34, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 68। जब भी आपको इस तरह से दो समीकरण मिल जाए और आपको x या y का मान निकालना है, निकालना हो, तो फिर आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ क्यों रहे हैं, घटाते क्यों हैं, वो भी बता देता हूँ। देखिए, जोड़ने घटाने से हमें एक पक्ष को पूरा काटना है, चाहे x वाला पूरा कट जाए चाहे y वाला पूरा कट जाए। अब वो कटेगा कैसे, वो जोड़ने से भी कट जाता है, घटाने से भी कटता है। तो हम जोड़ते कब है ये बता रहा हूँ। देखिए, जब हमने x को देखा तो x दोनों तरफ प्लस में है, लेकिन जब हमने y को देखा तो यहाँ पर y माइनस है, यहाँ पर y प्लस है। तो जब y एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो तो जोड़ने से प्लस माइनस ऑटोमेटिक कट जाते हैं, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। ये तो समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है x माइनस वाई बराबर 34 समीकरण 1, उसके नीचे x प्लस वाई बराबर 68 समीकरण 2। चूँकि दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने से ये तो कटेगा, x और x जोड़ करके 2x होगा, 68 और 34 को जोड़ेंगे तो ये 102 होगा, ठीक है। 68 को 68 बोलते हैं, 34 को 34। अब x का 2 ये वाला पक्षांतर होगा इस तरफ, तो 102 के नीचे में 2 आएगा,
इस तरह से काटेंगे तो दो पंचे दस, दो एकम दो, और नीचे में दो दो एकम दो, तो ऐसे ही कट गया। दो पंचे दस, दो एकम दो, 51 मिला। अतः हम कहेंगे हमारे x का मान कितना है, x का मान 51 है। जब आपको एक पक्ष का मान पता चल गया x या y का, तो फिर आप दूसरे का भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको लिखना ये रहेगा समीकरण एक या दो में इस मान को रखने पर। अब समीकरण दो क्या था, तो समीकरण दो था x प्लस y बराबर 68, यही था। अब x का मान 51 है, तो इस x के जगह आपको 51 रखना है प्लस 68 y लिखना है बराबर 68। अब चूंकि y का मान निकालना है तो 51 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 68 के साथ 51 घटेगा, तो 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा, 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा। अतः आप कहेंगे y बराबर 17, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब पूछा गया था प्रकाश और लोकेश की आयु, तो हम कहेंगे x का मान निकला है 51, तो प्रकाश x वर्ष का है। y का मान निकला है 17, तो हम कहेंगे लोकेश 17 वर्ष का है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने समझा हमारा पहला एग्जांपल काफ़ी सरलता से। इसी तरह से एकदम सरलता से हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी उदाहरण नंबर टू, एग्जांपल टू। एग्जांपल टू उससे थोड़ा सा हट करके है, ध्यान से समझिएगा। राम की आयु रहीम की आयु की तीन गुनी है। राम की जो आयु है, माना राम एक्स है, उसकी आयु रहीम से तीन गुनी है। रहीम का तीन गुना है, तो रहीम के में तीन का गुणा कर दिए। पाँच वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की ढाई गुना होगी। कितने वर्ष बाद? पाँच वर्ष बाद। तो पाँच वर्ष बाद राम की आयु, रहीम की आयु में भी पाँच वर्ष बाद बोलेंगे, राम की आयु पाँच वर्ष बाद रहीम की आयु का ढाई गुना होगा। तो ढाई गुना होगा तो आप इस तरह से दो से एक बटे दो का गुणा कर सकते हैं, या फिर उसको पाँच बटे दो लिख सकते हैं। तो राम और रहीम की आयु इस समय क्या है बताइए, वो नॉर्मल से वर्तमान आयु को पूछ रहे हैं। तो जमाने का कंडीशन कुछ ये है पहला, और कुछ ये है दूसरा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और समझेंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं स्टार्टिंग से। तो इस तरह से हमने लिखा पहले, राम की आयु इस वर्ष हमने मान लिया एक्स वर्ष है, रहीम की आयु हमने मान लिया वाई वर्ष है। ठीक है, राम रहीम से तीन गुना था, तो एक्स बराबर तीन वाई लिखेंगे। ये आपका एक्स एक तरह से मान भी बन गया और आपने कंडीशन भी जमा लिया। दूसरा, पाँच वर्ष बाद तो दोनों में एक्स में भी पाँच जोड़ेंगे, वाई में भी पाँच, मतलब राम के में भी रहीम के में भी, है ना, दोनों के में। तो इसमें ये बोला गया था कि जो राम की आयु है पाँच वर्ष बाद, वो रहीम की आयु की ढाई गुनी हो जाएगी। तो रहीम के में वाई प्लस पाँच में आप ढाई का गुणा कर रहे हैं, ढाई का गुणा करेंगे तो आप दो दूनी चार और एक पाँच लिखेंगे, मतलब वो पाँच बटे दो के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ से जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अच्छा, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि x बराबर हमने शुरू में 3x लिखा है। क्या लिखा है? 3x लिखा है ये। तो यहाँ पर जो सिर्फ x था उसके जगह 3y को लिख दिया है ना, x बराबर 3y था, तो यहाँ पर x के जगह हमने 3y लिख लिया। 3y प्लस 5, यहाँ पर है 5 बटे 2 ब्रेकेट में y प्लस 5। यहाँ से अब ये थोड़ा सरल हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो 2 को इधर ला के गुणा कर सकते हैं, 5 यहाँ गुणा कर लेगा, तो 5 एकम हम कह सकते हैं 5y, और 5 पंचे 25। इस तरह मैं कहूँगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6y, 6y में 5y घटेगा 1y बचेगा, 25 में 10 घटेगा 15 बचेगा। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि y का मान 15 है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। y का मान क्या है बच्चों? y का मान 15 है। अब y का मान 15 निकला तो आप x का निकाल सकते हैं, क्योंकि x बराबर आपने क्या लिखा है? 3y लिखा है, मतलब 3 का 3, y का मान 5, 5 दिया 15, सॉरी 15 मान निकला हुआ है, तो 15 दिया 45, है ना, मैं 5 लिख रहा था गलती से, y का मान 15 है, तो 15 दिया 45। अतः आप कहेंगे x कितने वर्ष का है? 45 वर्ष का, और y कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। ठीक, निकल गए इनकी भी आयु। चलिए अब देखते हैं उदाहरण तीन, एग्जांपल थ्री। हर प्रश्न एक दूसरे से अलग होते हैं, तो सारे प्रश्न आपको देखना है, ध्यान से समझना है। तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी है। ठीक है, 15 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना
पिता की वर्तमान आयु सॉरी पुत्र की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। पिता की आयु क्या था, पुत्र की आयु का 3 गुना था। उस कंडीशन को हम जमाएंगे तो सिंपल यही है प्रथम शर्त, पिता हमने वाई माना है तो पिता जो है वो पुत्र का 3 गुना है, तो पुत्र एक्स है उसके में 3 का गुणा कर दिए, तो ये आपका पहला कंडीशन या समीकरण एक भी आप कह सकते हैं। 15 साल पहले बोला गया है तो आप दोनों में 15 घटाएंगे, पुत्र के में जो एक्स है उसमें भी 15 घटेगा, पिता जो वाई है उसमें भी 15 घटेगा। घटने के बाद क्या हो जाता है, 9 गुना हो जाता है, है ना। तो ये रहा आपका दूसरा कंडीशन कि पिता की आयु ऐसा है 15 वर्ष पहले कि पुत्र आयु का 9 गुना था, तो पुत्र की आयु जो x माइनस 15 है 15 वर्ष पहले उसमें आपने 9 का गुणा कर दिया, जैसे कि आपने पहले पहले वाले प्रश्न में किया था। इसके बाद यहाँ तक सिंपल है, अब आप 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9x हो जाएगा और 15 नियम 135 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण बनाने के लिए आप इसको पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस 15 इधर आके प्लस 15 हो गया, प्लस 15 और माइनस 135 आपस में कटेंगे तो 120 बचा। यहाँ पर y का y अभी भी है तो y बराबर एक तरह से ये बन गया 9x माइनस 120, ठीक है। और ऊपर में हमने y बराबर 3x लिखा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, अब चूँकि ऊपर में हमने y बराबर 3x पहले से पहला कंडीशन लिख लिया है, तो इस y को हटा करके देखिए यहाँ पर 3x लिखा गया है। लिखने से पहले आप ये बता देंगे समीकरण एक अथवा समीकरण दो में y का तुलना करने पर, ठीक है, या मान रखने पर y बराबर ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। यहाँ से अब आप पक्षांतर करेंगे x वाले को x के साथ, तो प्लस 9x इधर आके माइनस 9x होगा, 9x और 3x घटेंगे तो माइनस 6x बचेगा, यहाँ जो सिर्फ माइनस लिखा है वहाँ पर माइनस 6x आएगा। इसके बाद देखिए 120 यहाँ पर एज इट इज़ लिखा जाएगा, अब दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो x बराबर मैं कहूँगा 120 बटे 6 और 6 × 12 मतलब 20, x का मान कितना निकला, 20 निकला, ठीक है, क्लियर है। अब x का मान निकल गया तो y का मान निकाल सकते हैं। अब x पुत्र था, x क्या था, पुत्र था, पिता क्या, उसे 3 गुना है शुरुआत में बोला गया है, तो 3 का गुणा कर दो तो 20 दिया 60, तो पिता की आयु 60 वर्ष है, पुत्र की आयु 20 वर्ष है, ऐसा आप कहेंगे, ये अब बन गया आपका एग्जांपल 3, ठीक है। तो सारे प्रश्न सरल हैं, बस कंडीशन देखो प्रश्न का, पढ़ो, दुगना बोले तो दुगना करो, 9 गुना बोले तो 9 गुना करो, 5 साल पहले बोला तो 5 घटाओ, 10 साल बाद बोला तो 10 घटाओ, 15 साल पहले बोला तो 15 घटाओ, जमाना है शब्दों को पढ़ करके, ठीक है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान से और धीरे से धैर्य के साथ प्रश्नों को पढ़ो, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा करो। एक पिता की आयु 3 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, क्या बोला है, एक पिता की आयु 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 जोड़ेंगे, अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुने से 6 अधिक हो जाएगा, क्या बोला है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगा। पुत्र की आयु मान लेते हैं 4 है, तो इसके 4 गुने से 6 अधिक हो जाएगा, मतलब 4 गुणा कर दो और 6 अधिक कर दो, तो ये इस तरह से 4x + 6 कहलाएगा, मतलब सारे कंडीशन जमेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं आपका एग्जांपल 4, जहाँ पर हमने मान लिया पिता एक्स वर्ष के हैं, सॉरी पुत्र एक्स वर्ष के हैं और पिता वाई वर्ष के हैं, ठीक है। 3 वर्ष बाद इनकी पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप पिता में भी 3 वर्ष जोड़ेंगे, पुत्र में भी 3 वर्ष जोड़ेंगे, तो हमने पुत्र में भी जोड़ दिया, पिता में भी जोड़ दिया, अब 3 गुना कौन हो जाता है, एक पिता की आयु 3 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो पुत्र को यहाँ पर y माना गया है, इसलिए ये जो y प्लस 3 है उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 y, 3 दिया 9 हुआ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 9 और 3 घटेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, ये प्लस 3 y इधर आके माइनस 3 y होगा, तो x - 3 y बराबर 6 आपका समीकरण 1 जमा। अब 5 वर्ष बाद पहले बोला है तो आप x में भी 5 घटाएंगे, y में भी 5 घटाएंगे, 5 वर्ष पहले क्या था, पुत्र की आयु का 4 गुने से 6 अधिक, तो पुत्र की आयु ये है y माइनस 5,
चार गुना तो चार का गुणा प्लस छः अधिक तो प्लस छः, जो मैंने आपको पहले समझाया था वैसे ही जमाया गया है, और जमाने के बाद फिर देखिए आपका फटाफट आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन जम गया, पाँच वर्ष पहले पुत्री गायों का चार गुने से छः अधिक। आप नॉर्मल तरीके से पहले गुणा कर सकते हैं, चार एकम चार वाय हो गया, चार पंचे बीस हो गया। अब बीस और छः आपस में घटेंगे तो चौदह आएगा, कितना आएगा चौदह। चार वाई इधर आके माइनस वाई होगा, माइनस पाँच इधर आके प्लस पाँच होगा, तो चौदह में पाँच और घट जाएगा तो नौ बचेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो माइनस पाँच है इधर आके प्लस पाँच हुआ, यहाँ पर प्लस छः है, दोनों मिलकर ग्यारह हुए, बीस में ग्यारह घटेगा क्योंकि ये प्लस है और वो माइनस बीस है ना, दोनों घटे तो कितना बचा हमारे पास नौ बचा। ये बन गया हमारा समीकरण दो, यहाँ पर से हमारा समीकरण एक। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या समान है, यहाँ पर x समान है, दोनों में एक ही x है, जो समान है अब उसका चिन्ह देखो, अगर दोनों प्लस है तो जोड़ने से वो जुड़ जाएंगे, घटेंगे क्या नहीं घटेंगे, तो जो भी समान दिखता है उसको घटाना होता है, तो जोड़ने से ना घटे तो फिर आपको घटाना पड़ता है, तब आप लिखते हैं समीकरण एक और समीकरण दो को आपस में घटाने पर, घटाएंगे तो उसको जमाएंगे किस तरह से, एक्स माइनस थ्री वाई बराबर छः के नीचे में आपको लिखना है एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस नौ, घटाएंगे इसलिए सब में माइनस लगाएंगे, ये घटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस चार में तीन वाई घटेगा तो एक वाई बचेगा, माइनस माइनस अभी प्लस नौ हो गया तो नौ छः पंद्रह होगा, वाई का मान निकल गया पंद्रह, अतः आप कह सकते हो कि पुत्र का आयु पंद्रह वर्ष है, तो पिता का आयु निकालना है तो समीकरण एक या दो में आप मान रख के उसको निकाल सकते हैं, जो इस तरह से आपका आंसर आया 51 वर्ष। ठीक है, तो जितने प्रश्न आप देखते जाएंगे उतने ज़्यादा आपको ये समझ में आते जाएगा, और इतना एग्जांपल देखने के बाद मैं कहता हूँ जितना जितना से जितना टफ से टफ प्रश्न है वो आपसे बन जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ होता है यहाँ पर शब्दों को जमाना, उतना अगर आप कर लेते हो तो सारे प्रश्न आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है अ की आयु ब की आयु से पाँच वर्ष अधिक है, सात वर्ष बाद अ की आयु का तीन गुना ब की आयु के चार गुने के बराबर हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अ की आयु ब की आयु से पाँच वर्ष अधिक है, ठीक है, तो देखिए अ को मान लेते हैं एक्स वर्ष, ब को मान लेते हैं वाई वर्ष, तो जो अ की आयु थी वो ब की आयु से पाँच वर्ष अधिक था, अभी प्लस वाई धरा के माइनस वाई होगा, इस तरह से पाँच यही रहेगा, तो ये आपका जो बन गया समीकरण एक। सात वर्ष बाद है ना, तो x भी सात वर्ष बाद, y भी सात वर्ष बाद, अ की आयु का तीन गुना ब की आयु के चार गुने के बराबर हो जाएगा, मतलब इसमें तीन गुना होगा और इसमें चार गुना होगा और दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, देखिए यही चीज़ें यहाँ पर जमा हुआ है, ये कंडीशन टू में x प्लस सेवन बाहर में तीन है और y प्लस सेवन बाहर में चार है, समझ आ गया। तो यहाँ बड़े रूप में इसलिए बताया हूँ ताकि आप जमाना समझो, क्योंकि बुक में स्पष्ट लिखा हुआ कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, तो अभी समझ में आ गया ना कंडीशन कैसे जमा है, प्रश्न भी पूरा पढ़ लिया दो बार। चलिए, तो हमने अ को एक्स माना, ब को वाई माना, पाँच अधिक था, तो उस y को इधर ला करके हमने एक समीकरण बनाया जो कि समीकरण एक है। ठीक है, सात वर्ष बाद बोले तो दोनों में हमने सात जोड़ा, सात वर्ष बाद पहले का तीन गुना दूसरे का चार गुना बराबर है, तो हमने क्या किया बताया, ये पहले का तीन गुना दूसरे का चार गुना दोनों बराबर है, तो ये हमने बराबर में रख दिया। तीन एकम तीन एक्स होगा, तीन सत्य इक्कीस होगा, चार एकम चार वाई होगा, सात चौक अट्ठाईस होगा, चार वाई इधर आके माइनस चार वाई होगा, प्लस इक्कीस इधर आके माइनस इक्कीस होगा, अट्ठाईस और इक्कीस घटेगा तो सात बचेगा, ये हमने जमाया तीन एक्स माइनस चार वाई बराबर सात, समीकरण तीन। ठीक है, इस तरह से हमें दो समीकरण मिल गए, समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण तीन। ठीक, यहाँ पर हम चाहे तो समीकरण एक और समीकरण तीन को आपस में सॉल्व कर सकते हैं कुछ समान करके, तो हम देखते हैं कि दोनों समीकरण में एक्स भी अलग अलग है, वाई भी अलग अलग है, तो अगर यहाँ पर एक्स में तीन है और मुझे वहाँ भी तीन लाना है तो मैं इसमें तीन का गुणा कर सकता हूँ, तब ये हो जाएगा तीन एकम तीन एक्स, तीन एकम तीन वाई, तीन पंचे पंद्रह। ऐसा करने के बाद अब जो तीन एक्स माइनस चार वाई बराबर सात है, ये आपस में कटेंगे, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, माइनस माइनस प्लस होगा,
चार वाई में तीन वाई घटेगा तो एक वाई बचेगा, और ये चूंकि मैं घटा रहा हूँ तो ये भी घटेगा, 15 और 7 घटेगा तो 8 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं y का मान 8। अब y के इस मान को समीकरण एक में रखेंगे तो ये y के जगह 8 रख दिया, -8 इधर आप +8 होगा, 8 8 और 5 जुड़ के 13 होगा, x का मान 13 निकला। अतः आप कहेंगे अ की आयु 13 वर्ष, ब की आयु 8 वर्ष है, ठीक है। चलिए अब तक हमने 5 एग्जाम्पल देख लिया है, तो चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है उसमें लिखा गया है किसी आदमी की आयु अपने दो पुत्रों की आयु के योग की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्रों की आयु की 2 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु बताओ। किसी आदमी की आयु अपने दो पुत्रों की आयु के योग की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना आदमी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है और उनके पुत्रों की आयु वाई वर्ष है, तो पहले कंडीशन में 3 गुनी है ऐसा बोला है, तो व्यक्ति की आयु के बराबर पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तो एक्स बराबर 3 वाई आपका पहला कंडीशन बन गया। आगे बढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद आदमी की आयु तो वो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो वो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद क्या था? पुत्र की आयु का 2 गुना होगा, पुत्र की आयु का 2 गुना होगा, 2 गुना होगा, फिर आप इसमें 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे 5 वर्ष बाद उनकी आयु। अच्छा हाँ, देखिए दो पुत्र की बात की गई थी तो दोनों में 5-5 साल, 5-5 साल आप जोड़ेंगे तो 5-5 10 साल होगा, इसलिए यहाँ पर 2 बार 5 लिखा गया है, तो वाई प्लस 10 आप लिखेंगे। अब जो 2 गुना हो जाएगा बोला है उसमें हमने पुत्र की आयु में हमने 2 का गुणा कर दिया, 2 एकम 2 वाई हो गया इस तरह से, अब 10 दूनी 20 हो गया। अब +2 वाई इधर आके -2 वाई होगा तो x-2 वाई आप इस तरह से लिखेंगे, और +5 इधर आके -5 होगा तो 20 में 5 घटेगा 15, तो ये आपका बराबर 15 करके एक समीकरण बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमें x बराबर, हमने 3 वाई पहले ही कंडीशन एक लिख चुका है, तो हम x बराबर यहाँ पर हटा करके 3 वाई लिख सकते हैं, 2 वाई में 3 वाई घटेगा 1 वाई बचेगा और y बराबर 15। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि वाई पुत्र था, पुत्र 15 साल का है और पिता उनसे 3 गुने हैं, तो 15 तिया 45, पिता को आदमी की आयु कितने वर्ष की है? 45 वर्ष की है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एक्सरसाइज जे। अब एक्सरसाइज जे आपसे बनना चाहिए क्योंकि अब तक हमने लगभग 6-7 प्रश्न एग्जाम्पल में देखे हैं, 6 चलिए देखते हैं बना करके। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, 8 वर्ष पहले ए बी से 4 गुना बड़ा था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना ए एक्स वर्ष का है और बी वाई वर्ष का है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो एक्स की जो आयु है वाई की आयु की 2 गुनी है, तो एक्स बराबर 2 वाई, ये एक कंडीशन जम गया, ठीक है। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले एक्स में भी 8 घटाएंगे, वाई में भी 8 घटाएंगे। 8 वर्ष पहले ए बी से 4 गुना बड़ा था, किससे 4 गुना बड़ा था? बी से 4 गुना बड़ा था, ये 4 गुना बड़ा करती है, वर्तमान में ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई ज्ञात करते हैं। 4 एकम 4 वाई हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कलर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे भी समझने में, तो इसको मैं थोड़ा बैग निकाल लेता हूँ। यहाँ रहेगा x-8, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? पक्षांतर कर सकते हैं या डायरेक्ट मान निकालना है तो फिर x को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो इस x को हटा करके मैं यहाँ 2y लिख सकता हूँ, तो ये मैंने 2y लिखा, ठीक है बच्चों। अब ये +4y इधर आके -4y होगा, यहाँ पर -32 है, ये -8 इधर आके +8 होगा, 32 में 8 घटेगा
तो 32 में 2 गया 30, 30 में 6 जाएगा 24। तो देखिए 24 बचेगा, यहाँ दोनों में घट करके 2y बचेगा, तो y बराबर 24/2 मतलब 12। क्या निकला? 12। y 12 है, दूसरा व्यक्ति 12 है, मतलब b 12 है। तो देखिए b का मान 12 वर्ष पहले ही आंसर में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि b कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। अब b का मान निकल गया, तो y का मान निकल गया 12, तो इस y की जगह आप यहाँ पर 12 का गुणा कर सकते हैं, तो 12 दूनी 24, तो x कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का है। ये रहा। अब जमाना कैसे, लिखना कैसे है, उसको हमने पूरा भी एग्जाम्पल में देख लिया स्पष्ट रूप से, तो वो आप देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है एक्सरसाइज जे के जितने भी प्रश्न हैं सब आपसे बन जाएंगे। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मझधार में रुके रुके नैया पार नहीं होती। ठीक है, तो आपको ट्राई जरूर करना है, SDM सर का नाम लेकर के बोलो SDM बाबा, और क्वेश्चन को बनाने भूल जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है एग्जाम्पल को आपने अगर बिना स्किप किए समझा, देखा एक एक तो बारीकी से समझा, और एक बार आप फिर से देख लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर ऐसे जितने भी प्रश्न हैं ना, ये आपको हलवा लगेगा, हलवा इत्तू से हैं ये प्रश्न, इजिली बन जाएंगे। ठीक है, शब्दों को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जमाओ और बनाओ। तो जितना भी टफ लगता होगा आपको, आयु का प्रश्न है, आप एक बार बना करके देखो, सरल है, बन जाएगा। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप प्रश्नों को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे आपके लिए वीडियो हम तैयार करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जाने से पहले एक बात, वीडियो अच्छा लगता है अगर आप सीखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी बच्चों का सहयोग हो सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।